और गाइस ये देखो, ये पहाड़ों के बीच में है, मेरे पीछे जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे अधिकतर ये चारों तरफ जो है मंदिर के लगभग पहाड़ी है और उसके बीच में जो है ये मंदिर है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइस बहुत दिनों के बाद जो है हम यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। जो है ठंड काफी, जो है मैं साम्राज्य में था और ये कुछ हमारा इस टाइप का रूम है। और अभी जो है मैं थोड़ी देर के बाद जो है अभी नहा धो करके हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो है ब्रेकफास्ट यानी थोड़ा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर जो है हम एक अच्छे प्लेस पे जाने वाले हैं जो कि आप ब्लॉग में देखोगे। ठंड में जो है सुबह सुबह सोलर वाला सिस्टम होता है तो गर्म पानी भी बहुत मतलब कम आता है। हेलो गाइस, वापस जो है हम नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और फिलहाल जो है अब चलते हैं नीचे। ज़्यादा ही ठंड है जिस कारण से मैंने स्वेटर पहन लिया है। बाहर का सीन दिखा देता हूँ आपको एक बार, कितना ठंड है देखो गाइस। काफ़ी जो है कोहरा गिरा हुआ है और देख लीजिए ये सुबह का सीन है गाइस। ये जो हमारा पार्किंग है और सामने से वो जो है गाइस नेशनल 48 जो जा रहा है NH 48 और कुछ इस तरीके का सीन है। और यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू भी दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहाड़ सामने, ये पूरा पहाड़ का ही है। ये देख लीजिए सामने पूरा पहाड़। अब सीधा हम नीचे जाते हैं, फिर जो है रूम की लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं। तो बाहर का कुछ इस टाइप का सीन है गाइस। ये है हमारे होटल्स के सारे रूम और हम जा रहे हैं नीचे। अब और नीचे जाने के कुछ इस तरीके की यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे जाएंगे। नीचे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम अभी नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है हम हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाने वाले हैं, यानी हमको जहाँ पे जाना है बहुत दिनों के बाद जो है उस जगह पर जाएंगे और आपको ब्लॉग में पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस फिलहाल जो है हम नीचे आ चुके हैं और नीचे कुछ इस टाइप का सीन है गाइस। और बाहर का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो है नीचे से यहाँ का व्यू, ये कुछ पार्लर टाइप का है। तो हम जो है ऐसे जाएंगे। हमने ऐसा जा कर के आने के बाद जो है हम नाश्ता करते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं, फिलहाल तो नीचे आ चुके थे और नाश्ता करने का प्लान था बट अभी सुबह सुबह जो हम नाश्ता नहीं करते, एक बार जिस प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ से जा करके आ जाते हैं और उसके बाद फास्ट करेंगे। तो ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ से हमें रिक्शा में बैठना है, रिक्शा से। और जो है धूप भी आने लग गई है तो अभी हम वहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं और रिक्शा में बैठते हैं। रिक्शा मिल गया है, उसमें बैठ जाते हैं। चलो जो है फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये साम्राज्य स्टेशन है और ये ला जो है स्टेशन यहाँ पे। तो चलो अभी हम चलते हैं मंदिर पे। जो मैं प्लेस बताने वाला था आपको वो जो है मंदिर ही था, ये जो है साम्राज्य। अभी हम इस रिक्शा में से उतरे और अब चलने वाले हैं साम्राज्य की ओर। साम्राज्य मंदिर जो कि वो आपको दिख रही ध्वजा, तो वहाँ जाने वाले हैं अभी हम। पैदल आए नहीं तो अगर फोर व्हीलर लेकर के आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग है उनके लिए और यहाँ से जाना होता मेन गेट अंदर। फाइनली हम जो है साम्राज्य मंदिर आ चुके हैं और हमारे पीछे जो है ये मंदिर का गेट है और इधर त्रिलोकनाथ विष्णु मंदिर। और गाइस ये देखो, ये पहाड़ों के बीच में है, मेरे पीछे जैसे आपको दिख रहे होंगे कितने जो है पहाड़ है यहाँ पे अधिकतर। ये चारों तरफ जो है मंदिर के लगभग पहाड़ी है और उसके बीच में जो है ये मंदिर है। तो अभी जो है हम मेन गेट में आ चुके हैं तो अभी अंदर दर्शन करते हैं। देखो गाइस ये देखो, ये बैक कैमरे से ये है मेन गेट
और यहाँ से जाते हैं अंदर, और ये देख लो गाइस यहाँ पे जो है ये परिसर है इसका, और उधर भी पहाड़ है, और इसे आप चारों तरफ देख सकते हो, पहाड़ ही पहाड़ है ये यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल जो है अंदर चलते हैं हम, तो नहीं होगा बट जो है काफ़ी शानदार परिसर है और बड़ा भी है, देख पा रहे होंगे आप। ये मंदिर है इस टाइप का, यहाँ पे हम जो है बहुत बार पहले आ चुके हैं बट मैंने ब्लॉगिंग में अभी आपको दिखाया है। काफ़ी शानदार मंदिर है, इसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है आ करके, और देखो आपको पहाड़ों के बीच में यानी कितना शानदार व्यू है। ये मंदिर है और यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं की ऐसे लाइन लगी हुई है, और यहाँ से जो है एग्जिट है बाहर निकलने का। तो चलो पहले एक बार जो है दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद जो है आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें फोन जो है बंद करना होगा, और एग्जिट द्वार था जहाँ से हम अभी बाहर निकले, और यहाँ पे थोड़ा गर्म ज़्यादा वो है और कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे ब्लॉगिंग करने में, थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये है जो एग्जिट द्वार, वहाँ से इंटर किया था क्योंकि जो है वहाँ पे इंटर द्वार था। और मेरे पीछे जो देख पा रहे हो ये पूरा मंदिर है गाइस, और यहाँ पे आप देखो काफ़ी शानदार नज़ारा, व्यू भी कितना अच्छा है। और ये पीछे है पहाड़ हमारे, जो कि यहाँ पे एक भीम पगला करके, मतलब भीम जो पांडवों के सबसे शक्तिशाली यानी जो बलवान थे सबसे ज़्यादा, उनका यहाँ पे पैर का निशान भी है। यहाँ पे एक भीम पगला करके मतलब गांव भी है जहाँ पे। ये कितना शानदार मंदिर है, और फिलहाल इसके मेंटेनेंस करते हैं एक ही ग्राउंड से, देख लीजिए इस पे मतलब जो है कलात्मक कितने शानदार है। ये देखो इस पे डिज़ाइन कितने जो है अच्छी लग रही है, और कलात्मक रूप से इसको प्रकाशित किया गया है, तो कितना मस्त शानदार लग रहा है। और ये क्लीन भी किया है व्यवस्थित उन्होंने, और ये जो है पूरा ऊपर से जो जम गया है बारिश की वजह से, जो जम जाता ऊपर वो क्लीन हो रहा है। बड़े गेट है, हमने जो है वहां से एंटर किया था फर्स्ट गेट नंबर फर्स्ट। अभी जो है हम चलते हैं सैलून पे ताकि शेविंग हो जाए हमारी, और फिर चलेंगे होटल पे। पहले जो है फेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है और सैलून से भी बाहर आ चुके हैं, अब हम यहाँ से वापस रिक्शा पकड़ रहे हैं और फिर चलते हैं होटल की ओर। फेस पूरा डिफरेंट हो चुका है, ब्रिज के उस पार जाना पड़ेगा पहले, तो ब्रिज के उस पार जा करके फिर जो है रिक्शा में बैठते हैं। सामने दो वाहन आ रहे हैं, कोई एक ओला होटल, तो फिलहाल रोड क्रॉस करके चलते हैं। तो जो हमारा होटल के सामने, तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपको। तो हेलो गाइस, जैसे कि हम अभी टेंपल जा करके आ चुके हैं, और आने के बाद हमने लंच भी कर लिया है, और फाइनली अब जो है हम रूम में आ चुके हैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, आपको यह व्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। हेलो गाइस, जैसे कि हम अभी टेंपल पे जा करके आ चुके हैं, और आने के बाद हमने लंच भी कर दिया, ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट भी हो गया